लखीमपुर खीरी में हुई जो घटना है उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आपको दिखाएं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राकेश टिकैत यहाँ से निकल गए हैं, जो आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और पहुँचने के बाद राकेश टिकैत को उन्होंने मनाने की कोशिश की कि अभी वहाँ पर जो हालात जो हैं वह सही नहीं हैं, आप वहाँ पर ना जाएं। लेकिन राकेश टिकैत नहीं रुके, राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरीके से अगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इस समय जो फोर्स है यहाँ पर काफ़ी तादाद में तैनात कर दी गई है। यहाँ के किसानों का क्या कहना है ये जानते हैं हम। ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके बाद राकेश टिकैत तो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्नदाता के साथ ऐसा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह कि किसान के पास प्रदर्शन के सिवा और कुछ है ही नहीं, संविधान ने उसको उसकी इजाज़त दी, क्योंकि सरकार से हम लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते। हमारा तो बस प्रदर्शन करके हम उसको कह सकते हैं भाई हम आपका विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ ना आवें, ठीक। इसके सिवा हमारे पे कुछ ऐसा हथियार नहीं जो हम सरकार का मुकाबला कर लें। और इस समय जो हालात हैं वहाँ पर काफ़ी बिगड़े हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि एक कार बेकाबू हुई जो कि जिसमें कि किसानों की जानें चली गई हैं, उसमें एक या दो अभी हम नहीं कह सकते हैं, हालांकि अभी सूचना है, लेकिन बताया जा रहा है किसानों की तरफ से भी वहां पर जो और लोग थे उनकी पिटाई की गई है, उनकी भी जाने गई है, तो उसे किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्योंकि वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। देखिए अगर उधर से भी कोई ट्रेजरी हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी, ना उधर से होनी चाहिए थी ना उधर से होनी चाहिए थी, ठीक। और ये काले झंडे दिखाने का और अपना विरोध करने का ये किसान को अधिकार है। राकेश टिकैत का क्या कहना था? राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी आपके पास से निकले हैं, आप भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर हैं। हाँ, राकेश टिकैत जी जो यहाँ से गए हैं सिर्फ वो इस प्रयास के लिए गए कि कोई और ज़्यादा कोई ऐसा ट्रेजरी ना हो, कोई ऐसा उपद्रव ना हो, वो वहाँ शांति के लिए गए और शांति कायम करेंगे जाकर। बिल्कुल, यहाँ किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि राकेश टिकैत यहाँ से गए जरूर हैं लेकिन वो शांति के लिए गए हैं और वहाँ पर शांति कायम कराई जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।